वेलकम बैक पीपल, स्वागत है आपका हिंदुस्तान मिरर यूट्यूब चैनल पर। देरी न करते हुए चलते हैं लेटेस्ट खबर की तरफ। दरअसल संसद में नागरिकता संशोधन कानून पास होने के बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों में इसका विरोध हो रहा है। इस दौरान जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई हुई। पुलिस की छात्रों पर कार्रवाई के बाद देश की जानी मानी हस्तियों ने इसकी आलोचना की। इसमें से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज इरफान पठान भी शामिल है। पठान ने छात्रों पर हुए हमले पर विरोध जताते हुए ट्वीट किया और इस ट्वीट के बाद से वह सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए, जिसके बाद एक बार फिर से इरफान पठान ने आगे आकर इसका विरोध किया कि वह भारतीय हैं और अपने देश में अपनी बात रखने का हक रखते हैं। इस दौरान इरफान पठान ने अपने पाकिस्तान दौरे को याद करते हुए एक किस्सा बताया, जहाँ उनके धर्म पर सवाल उठाया गया था। पठान ने बताया कि 2004 में सीरीज के लिए वह पाकिस्तान गए हुए थे। इस दौरान वह राहुल द्रविड़, पार्थिव पटेल और लक्ष्मीपति बालाजी के साथ लाहौर के एक कॉलेज में पहुंचे थे, जहां लगभग 1500 बच्चे मौजूद थे और वे हम सभी से सवाल पूछ रहे थे। पठान ने बताया कि मौजूद बच्चों में एक लड़की खड़ी हुई और बेहद गुस्से में मुझसे पूछा कि अगर आप मुस्लिम हो तो भारत की तरफ से क्रिकेट क्यों खेलते हो। तो इस बारे में इरफान ने बताया कि मैं खड़ा हुआ और कहा, मैं भारत से खेलकर उस पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। भारत मेरा देश है, मेरे पूर्वज भारत के हैं, मैं भाग्यशाली हूं कि इसका प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूं। मेरा जवाब सुनकर वहां कॉलेज में मौजूद सभी छात्रों ने मेरे लिए तालियां बजाई। फिर इरफान ने ट्वीट किया था कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन मैं और हमारा देश जामिया मिल्लिया के छात्रों के लिए परेशान है। इस ट्वीट के बाद वह ट्रोल करने वालों के निशाने पर आ गए। इरफान पठान ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा, जब मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ ट्वीट किया तब मैं इस देश का लाडला बन गया था और अब जब मैंने अपने छात्रों के बारे में बात की मैं यहाँ गलत हूँ, ऐसा कैसे सही है। तो पीपल साहब, मुझे नीचे कमेंट में बताइए इरफान पठान इस मामले में सही है या नहीं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ऑल कर लें, ताकि लेटेस्ट न्यूज और उससे जुड़ी हाइलाइट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद।